खबर प्रयागराज से आ रही है। पांडरगांव में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास श्री विकास जी महाराज ने माखन चोरी और गोवर्धन कथा का किया वर्णन। द्विवेदी परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा के चौथे दिन कृष्ण जन्म प्रसंग व उत्सव में भागवत कथा व्यास श्री विकास जी महाराज ने ऐसा समा बांधा कि भागवत प्रेमी अपने आप को रोक नहीं सके। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की धुन पर भक्त जम कर झूमे। भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक श्री विकास जी महाराज ने हिरण्यकश्यप व भक्त प्रहलाद के प्रसंग पर विस्तार से कथा सुनाया। साथ ही बामन अवतार ध्रुव चरित्र अजामिल के प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को मनमुग्ध कर दिया। इस कथा के दौरान कथावाचक श्री विकास जी महाराज ने कहा कि पाप आंखों के रास्ते मन में पहुंचता है और मन के बाद मनुष्य के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा अच्छी चीजें व अच्छे साहित्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ना चाहिए ताकि हमारा मन व बुद्धि स्वच्छ रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों के नामकरण से पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर उनका नाम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में उन नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जथा नाम तथा गुणा की कहावत हमेशा चरितार्थ होती है। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर एक छोटे से बच्चे को कृष्ण के रूप में सजाया गया। फिर वासुदेव बने। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, पत्नी नीलम देवी ने एक टोकरी में कृष्ण रूपी बालक को सिर पर लेकर कथा स्थल पर पहुंचे तो कथा स्थल जयकारों से गूंज उठा। श्रोता व भक्तगण बाल कृष्ण को देखने व बधाई देने के लिए उमड़ पड़े। इस अवसर पर आयोजकों की ओर से श्रोताओं व भक्तों के बीच बधाई के रूप में चॉकलेट, माखन, मिश्री व खिलौनों के वितरण किया गया। आयोजक श्री राम बाहोर द्विवेदी, पत्नी शकुंतला देवी, आयोजक संयोजक पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गिरिजा प्रसाद द्विवेदी, पत्रकार शिवाकांत विद्याभूषण शुक्ला, चंद्रमौली तिवारी, कार्तिकेय मिश्रा, अंजनी कांत तिवारी, इंद्रजीत मिश्रा, चंद्रमणि द्विवेदी आदि भक्तगण मौजूद रहे। योगी मुनि जतन कराते हैं कि अंत के समय मुख से भगवान का नाम निकलता है और इसके मुख से हमारे स्वामी का नाम निकला है। इस कारण से या हमारे भगवान नारायण के धाम में जाने का अधिकारी है। भगवान के पार्षद और यमदूतों की आपस में इस चर्चा को सुनकर के मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ अजामिल विचार कर रहा है कि मैंने तो केवल हास्य में परिहास में भगवान का नाम लिया है, यथार्थ में नहीं लिया। यथार्थ में तो मैंने अपने बेटे को पुकारा था, लेकिन मेरे बेटे को पुकारने पर भी भगवान ने अपने सेवकों को भेज दिया। अगर सच में मैंने भगवान को ही पुकारा होता तो परमात्मा स्वयं मुझे ले लिया। जाकर के यमदूतों ने धनुष बाण तलवार खड़ग फेंक दिया और यमराज से कहते हैं कि महाराज आज से आपकी नौकरी नहीं करेंगे, इस्तीफा दे रहे हैं। धर्म यमराज ने कहा भैया क्या हुआ,
बोले आप सही से पता नहीं बताते हो, आपने हमें जहां भेजा उसे लेने के लिए तो भगवान के पास क्यों आ गए? अरे उसने मृत्यु के समय अपने मुंह से नारायण नारायण ऐसा कह दिया था। जैसे ही यमराज ने सुना सेवकों से कहता है चुप अब मत कहना, अगर ये शब्द इन पापियों के कान में सुनाई पड़ गया ना, जितने भी हमारे नर्क में ये नर्क यात्रा को भोग रहे जीव है या सब मुक्त हो जाएंगे। इतना सुनते ही यमदूत विचार करने लगे, क्या भगवान के नाम कितने महिमा है, एक बार इनके कार्य में अगर भगवान का नाम चला जाए या सब मुक्त हो जाएंगे। तब यमराज ने बताया कि भैया इतना ही महिमा नहीं है भगवान की नाम की, भाव कुभाव अनथ आलस हो नाम जपते I'm